प्रातः क्लास चल रहा था 21/12/1968 शनिवार को छठे पेज के मध्य में बात चल रही थी। सुख के लिए रिपीट अक्षर आएगा, दुख के लिए तो नहीं आएगा रिपीट अक्षर, तो फिर इसी समय के लिए गाया जाता है कि अभी सुख की रिपीटेशन हो रही है, जो बाप बैठ करके तुमको सुख के लिए समझाते हैं। तो देखो अभी सारा ज्ञान है पुरुषोत्तम संगम युग में, और वो ज्ञान है तो एक ही सेकंड का, जो तुम्हारी बुद्धि में बैठा रहे और फिर औरों को भी समझाते रहो। है तो बस यही ना, और अभी संगम युग में बाबा तो अच्छी तरह से समझाते हैं, तो मीठे भी ऐसे ही बने हो, और बिल्कुल बनने का है। तो युद्ध है ना, बाकी ये सभी माया के तूफान आते हैं और ये सहन करने पड़ते हैं, और बाबा की याद में ये तूफान चले जाएंगे। जैसे हातिमताई का किस्सा होता है ना, तुम लोगों ने हातिमताई का किस्सा तो बहुत उन्हें पढ़ा होगा। तो जब मुलहरा मुंह में डालते थे तो माया एकदम चली जाती थी, और मुलहरा निकाल देते थे तो माया आ जाती थी। अथवा यूं कहें, जैसे वो जो जो झाड़ होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, किसी ने कहा छुई मुई, हाँ छुई मुई, क्या और भी नाम बताते हैं। तो उस छुई मुई की घास को हाथ लगाओ तो मुरझा जाती है। यानी माया ऐसी तो जबरदस्त है कि माया हाथ लगाती है तो बच्चे मुरझा जाते हैं, और फिर पीछे आप ही खुल जाते हैं। बिना हाथ लगाए ही आप ही खुल जाते हैं। तो ये माया एकदम बड़ी तीखी है, बैठे बैठे इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते 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 एकदम गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते हैं कि अपन को भाई भाई समझो, और भाई भाई समझेंगे तभी तो बेहद में चले जाएंगे, बेहद से भी पार, क्योंकि पीछे तो जब भाई भाई है, आत्मा आत्मा भाई भाई, आत्मा बिंदु रूप, बिंदु को चाहे जितना छोटा बनाए दो तो कोई अंग ही नहीं है,
कोई शरीर ही नहीं है। और जब कोई शरीर ही नहीं है, शरीर का कोई अंग ही नहीं है, तो फिर दृष्टि कहां जाएगी? तो वो आत्म की स्थिति में रहने की, आत्मा बनने की इतनी मेहनत करनी है। ऐसे नहीं कि सुन सुन करके फां हो जाओ, सुनते ही सुनते। ये तो बड़ी मेहनत है। नहीं नहीं ये तो कल्प कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है, और इस पुरुषार्थ से अपना भाग्य पाते हो। अच्छा टोली ले आओ। ये बाप कहते हैं ना, पहाका भी देते हैं, पढ़या हुआ सा बिसरा, बिसार दो। जो इतना पढ़े हुए हो ना, बहुत बहुत पढ़े हुए हो, वेद ग्रंथ शास्त्र किताब वगैरह वगैरह कितने पढ़े हुए हो, सब भूल जाओ। बाकी क्या याद रखना है? जो कभी नहीं पढ़े हो और जो कल्प कल्प पढ़ते हो, वो ही सुनो और याद करो। और जिसको भूल जाओ उसके लिए तो कहा ही जाता है, भूसा उड़ा दो। क्योंकि वो देह अभिमानी मनुष्यों की पढ़ाई से भूसे जैसा मनुष्य बन गया, और क्या। न तो जटाएं हैं अच्छी, तो ऐसे जटाएं खुली हुई और बैठ करके मुरली चलाओ तो देखो। और बहुत मनुष्यों की तो है ही नॉलेज है, पीछे हैरान है ना। ये जो सभी साधु संत महात्मा और ये सभी माइयां वाइयां, वो सभी हैं चुप करके बैठेगी तो क्या जाके मनुष्य करेंगे। तो ये सब मुरली के ऊपर है ना। 21 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। और वो है मनुष्यों की मुरली। चंचल मन वाले मनुष्यों की मुरली। और ये है बेहद के बाप की मुरली। जिसको चंचल मन होता ही नहीं, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। और सतयुग त्रेता में तो कोई मुरली बजती नहीं है, वहां तो ज्ञान की दरकार ही नहीं है। अरे वहां न ज्ञान की दरकार है न भक्ति की दरकार है। मीठी मीठी सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप
बजिसवानी दादा का दिल व जान सिख और प्रेम से नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। क्योंकि देखो पुरुषार्थ के अनुसार ही कहना पड़े ना, सबका पुरुषार्थ अलग अलग तरीके का है, एक का न मिले दूसरे से। और पुरुषार्थ देखो है कितना, तुम बेहद में फिर चले जाओ, अरे कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की। और देखो पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ाने वाला भी वंडरफुल तो पढ़ाई भी वंडरफुल है ना। ऐसे तो दुनिया में कोई नहीं है कि किस जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ाता हो वे, ऐसा कभी कहीं सुना? हाँ सुना क्यों नहीं, 21 पीढ़ी के लिए ये नॉलेज है। सतयुग और त्रेता पूरे दो युगों के लिए, और सतयुग त्रेता की अर्थात स्वर्ग की पढ़ाई दूसरा तो कोई पढ़ाने वाला होता ही नहीं है। तो ऐसे भी होंगे जरूर जो नए से ईश्वरीय पढ़ाई का रिगार्ड रखते होंगे, न पढ़ाने वाले का रिगार्ड रखते हैं रखेंगे। तो भला वो क्या बन जाते होंगे वहां, क्योंकि कुछ न कुछ बनना तो है ना जरूर। और सो भी कोई एक बार नहीं, न वो ही जो अभी बनेंगे, न पढ़ने वाले न रिगार्ड रखने वाले, तो वो क्या बनेंगे? जा करके देखो विचार करो। और बाबा तो सब कुछ समझाते हैं ना, है ना ये वंडरफुल नॉलेज। अच्छा गुड मॉर्निंग।